हेलो वन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है तो चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। तो चलिए, आपके पार्टनर के मन में थ्री ऑफ शोर्ड्स, ओके द स्टार, वाओ इस पे आया फाइव ऑफ कॉइंस एंड ऊपर से आया टेन ऑफ कॉइंस। तो देखो, यहाँ पे साफ साफ मैं बात बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा डर रहे थे। हो सकता है उसको लग रहा था कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई और है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका दिल दुखा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दिया हो रिसेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको इतना परेशान किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप उसको बहुत बार कॉल या फिर मैसेज किए हो, तो उसके बाद वो बहुत गुस्सा हो गया और वो आपको कुछ बोल दिया। हो सकता है कि वो आपको जानबूझ के दिल दुखाया हो, या फिर थर्ड पर्सन के लिए वो आपके पास नहीं आ पाए तो इसीलिए दिल दुखाया हो आपका। बट उसको हमेशा आपको पसंद है, वो प्यार आपको करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे बट वो कर दिए हैं, वो लिटरली कर दिए हैं, क्योंकि उसको पहले पता नहीं था कि ये चीज़ इतना दूर जाएगा। बट आखिर में मैं देख सकता हूँ कि वो अभी रो रहे हैं, वो कल नींद ठीक से उसका नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि रात में वो आपका ड्रीम भी देखे है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको बात करना चाहते हैं बट आप उसको ब्लॉक कर दिए हो, या फिर आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप और उनके बीच में जो कनेक्शंस था वो कनेक्शंस अभी ऐसे सही से नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो बहुत एंग्शियस है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं बट आपको अब भी बात करना नहीं है, क्योंकि आप अपने रेस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हो। बट ये सिचुएशंस काफ़ी अच्छे से हील हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि वो आपको कमिटमेंट भी दे देंगे, वो आपके पास वापस भी आएंगे, एंड साथ ही साथ उसके दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ उसको पैचअप करना है। वो आपके बारे में याद करे, खास करके जितना अच्छे से आप उसको प्यार करते हो, जितना अच्छे से आप उसका ख्याल रखते हो, जितना अच्छे से आप उसको देखभाल करते हो, जस्ट लाइक आपको वो अपना फैमिली ही मानते हैं। बट क्या हुआ कि कुछ रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा बवाल हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशन से उसका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया। हो सकता है कि पहले वो कुछ अलग सा बोल रहे थे, आप वो चीज़ नहीं सुने हो, या फिर आप कुछ बोल रहे थे वो चीज़ नहीं सुने हैं। शायद वो आपको कॉल करने के लिए बोला बट आप कॉल नहीं किए, या फिर मिलने के लिए बोला, आपको मिलने के लिए राज़ी नहीं हुआ। बट अचानक मैं देख सकता हूँ कि बिना कुछ बोले आपको गोस्ट करके चला गया, और आपको पता भी नहीं है कि क्यों वो आपको गोस्ट किया, क्यों वो आपके साथ ऐसा किया। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए, या फिर आप कुछ स्पेल का सहारा भी लिया, या फिर आप कुछ स्पिरिट से भी बातें किया, या फिर आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो, और मेरे ख्याल से आप एक बहुत बड़े साइकिक हो सकते हो, या फिर आप लोगों को भी मदद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप खुद के एनर्जी को हील किए हो। हो सकता है आप रिसेंटली चक्रा हीलिंग किए हो, या फिर किसी के लिए, या फिर किसी के सहारे में आप कुछ स्पेल करवाए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो जल्दी जल्दी आपके लाइफ में वापस आए, आपको कमिटमेंट दे। बट वो अभी धीरे धीरे आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए, आपके स्पेल वर्क या फिर जो भी वशीकरण, जो भी क्राफ्ट आप कर रहे हो, वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ है लास्ट न्यू मून से, यानी कि लास्ट अमावस्या से। बट ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी ड्रीम देख रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे, बार बार आप का याद कर रहे, रो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप दोनों के मान लो दोनों ही मैरिड कपल हो, तो मैं देख सकता हूँ आप दोनों के मोमेंट्स के बारे में वो याद कर रहे। शायद आपने उसको कुछ बोले हो कि आप गलत कर रहे हो, या फिर आप उनके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आओगे, तो गुड बाई बोल के चले गए हो। तो हो सकता है कि वो उसके मैसेज को बार बार रिप्लाई मतलब रिपीट कर रहे, और कुछ मैसेजेस बार बार वो पढ़ रहे, तो ओल्ड मैसेजेस को वो पढ़ रहे, और वो आपसे रिकनेक्ट करना भी चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको पता है कि वो पूरी तरीके से आपको खो दिए हैं। बट वो चाहते हैं कि आपको वो दूसरी बार वो आपके पास आए और आपके दिल जीत ले, बट उसको लग रहा है कि शायद आप इस टाइम पे उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ईगो इश्यूज है, मेरे ख्याल से आपके फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा सा लो है और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा सा अप है, तो वो अपने फैमिली को भी कन्विंस करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं सोचे थे। अचानक उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक ऐसा चाहत उसको अभी महसूस हो रहा है, वो पहले कभी भी महसूस नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद अगर आप रिसेंटली मिले हो, तो वो पर्सन एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो पर्सन आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपने आपको
लेके ड्रीम्स देख रहे हैं और धीरे धीरे आप और वो एक फ्यूचरिस्टिक हो जा रहे हो, तो मैं देख सकती हूँ अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या फिर रिलेशनशिप गोल्स को अचीव कर रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ एक कमिटमेंट के ओर जा रहे हो। अगर आप भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर चल रहे हो तो आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे, मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर को कोई समझा रहे, यानी कि उसके फ्रेंड हो सकते हैं कि आपके साथ नहीं बात करे, या फिर थर्ड पार्टी समझा रहा था, या फिर कोई गर्ल फ्रेंड या फिर गर्ल बेस्ट फ्रेंड या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड जो भी था, ये थर्ड पार्टी उसको कुछ गलत सलाह दे रहा था, गलत समझा रहा था, बट अभी वो अपने किसी का भी कोई भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस से बाहर आने के लिए रेडी है और वो बाहर आके सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड हो या फिर आपके पार्टनर हो वो शिव जी का बहुत भक्त है, या फिर हो सकता है शिव शक्ति को बहुत मानते हैं, या फिर डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। हो सकता है आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो सकते हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, और हो सकता है रिसेंटली आप टैरो सीखे भी हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि स्टार के कार्ड, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो टैरो और उसको आप बुलाने की कोशिश कर रहे हो। लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन चल रहा है और कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि मेंटल मैसेजेस भी आप सेंड किए हो। मेरे ख्याल से ये कनेक्शंस हेवन मेड है और ये कनेक्शंस हेवन मेड ही रहेंगे, और साथ ही साथ दोनों का जो प्यार है, दोनों के अंदर का जो केमिस्ट्री है वो और भी बहुत बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी थे और आपके पार्टनर भी डिप्रेस थे, क्योंकि दोनों ही दोनों के बारे में सोच रहे थे बट बात नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ आपके पार्टनर हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं और वो जानते हैं कि आप कितना उदास रहते हो उसके बिना, आप कितना रोते हो उसके बिना, वो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कितना सच्चे दिल से उसको प्यार किए हो, और आपके पार्टनर भी इसको भी पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, तो इसीलिए जब भी वो कुछ हर्ष रिप्लाई करते हो तो आप हमेशा रो देते हो, हमेशा उसको आप कंप्लेन करते हो और हमेशा आप बातों को मतलब आगे बढ़ाते हो, बट इस टाइम पे क्या हुआ कि आपने उसको ब्लॉक करके चले गए हो, इस टाइम पे आपने उसको रिप्लाई नहीं दी हो, इस टाइम पे आपको आप उसको कोई हिंट भी नहीं दिए हो, इस टाइम पे वो क्लूलेस है कि क्यों आप इतना मतलब पर्सनली लिए हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप तंग आ चुके हो और आप बोले हो कि दिस इज इनफ, मैं और आगे नहीं बढ़ूंगी, जब या फिर बढ़ूंगा जब तक ना वो आपके सामने आके सॉरी बोले, तो यहाँ पे कुछ सॉरी का बात है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने आके सॉरी भी बोल सकते हैं, हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल रिकन्सिलिएशन हो, या फिर मैं देख सकता हूँ रेजोल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है, सेंसिटिविटी जो भी इश्यूज था पास्ट के रिलेटेड, जो भी इश्यूज था थर्ड पार्टीज के रिलेटेड, जो भी इश्यूज था या फिर इन लॉज रिलेटेड जो भी इश्यूज था वो खत्म हो रहा है और फाइनली आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से मतलब कमिटमेंट दे रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज या फिर रीमैरिज या फिर रिकन्सिलिएशन हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पार्टनर कमिटमेंट करे, अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेंड से वो गर्लफ्रेंड बनाए या फिर बॉयफ्रेंड बनाए, तो मैं देख सकता हूँ ये होने वाला है, एंड साथ ही साथ ये एक बहुत पार्मानेंट रिकॉन्सिलेशन पार्मानेंट कमिटमेंट की ओर आप लोग जा रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करते हो, अगर ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बोल दीजिए, एंड साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू, ओम भीम दक्षिणा काली के नमो, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।